ये है TVS XL 100 हैवी ड्यूटी किक स्टार्ट 2022 न्यू मॉडल। अब नए फीचर्स साइड स्टैंड इंजन कटऑफ के साथ इसको ज़्यादातर दुकान वाले, फेरी वाले, छोटे व्यापारी सामान ढोने के लिए यूज करते हैं 2022 में। अब इसकी ऑन रोड कीमत क्या है, डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, EMI कितनी आएगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले इस मोपेड के फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको राउंड शेप में हेलोजन हेडलाइट मिलती है, जिसके चारों तरफ आपको क्रोम की फिनिशिंग और नीचे आपको डे टाइम रनिंग के लिए LED DRL मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं इसकी हेडलाइट को ऑन कर देता हूं। तो यहां से आप इसकी हेडलाइट की लो बीम और हाई बीम की रोशनी को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी के साथ आती है। इसके दोनों साइड में आपको फुली फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। सस्पेंशन के ऊपर आपको रबर गेटर मिलते हैं, जिससे इसका लुक भी काफ़ी रेट्रो लगता है और ये धूल मिट्टी से भी बचाते हैं, जिससे सस्पेंशन में आपको लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर आपको मेटल का मडगार्ड और दोनों ही साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं। 16 इंच के स्पॉक व्हील मिल जाते हैं, 2/50/16 के यहाँ पर आपको ट्यूब वाले टायर मिल जाते हैं। टेलीस्कोपिक स्प्रिंग टाइप हाइड्रोलिक टाइप के फ्रंट में सस्पेंशन दिए गए हैं। मीटर कंसोल की बात करें तो स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको एनालॉग में दिया गया है। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट की वार्निंग, इंजन माल फंक्शन, की पॉइंट मिल जाता है और फ्यूल के लिए यहाँ पर आपको लो फ्यूल की वार्निंग की इंडिकेशन मिलती है। यहाँ पर आपको USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट नहीं मिलता है किक स्टार्ट वेरिएंट में। यहाँ पर आपको एक रॉड मिलती है, जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा सामान लटकाने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको साइड व्यू मिरर, यहाँ पर आपको मेन हेडलाइट का स्विच मिल जाता है, दूसरी साइड में आपको LED DRL का स्विच और यहाँ पर आपको इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिया गया। जैसा कि किक स्टार्ट है तो यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता है। इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। 89 kg इसका कर्व वेट दिया गया है। 130 kg इसमें आपको लोडिंग की कैपेसिटी मिल जाती है। इसमें आपको फ्यूल टैंक के ऊपर आपको TVS का स्टिकर और यहाँ पर आपको गोल्डन कलर की लाइनिंग मिलती है। ऊपर में आपको एक फ्यूल टैंक का कैप दिया गया है। 4 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है और 1.25 लीटर पेट्रोल इसमें रिजर्व रहता है और नीचे आपको मैट फिनिश मिलती है काफ़ी अच्छी। यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी का इस्तेमाल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिलता है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। साइड में आपको और साइड पैनल के ऊपर आपको गोल्डन कलर की लाइनिंग मिलती है, मेटल की फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको XL 100 हैवी ड्यूटी का स्टिकर मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर ETFI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बैजिंग मिल जाती है स्टिकर के साथ और यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का लीवर, नॉन एडजस्टेबल फुटरेस्ट और इसमें 158 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। यहाँ पर कैटेलिटी कन्वर्टर के ऊपर आपको ऑक्सीजन सेंसर, यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है। इसमें 99.7 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रॉक ETFI इंजन दिया है, जो 4.4 PS की पावर देता है 6000 RPM पर और 6.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 3500 RPM पर। इस मोपेड में आपको 65 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर का आसानी से माइलेज मिल जाता है। अगर आप इसको 40 से 50 की स्पीड में चलाते हैं, एग्जॉस्ट के ऊपर आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ एक मेटल की प्लेट मिल जाती है। जैसा कि ये बेस मॉडल है तो यहाँ पर आपको पैर रखने के लिए कुछ इस तरह के मेटल के पायदान मिल जाते हैं। इसके रियर में स्विंग आर्म विद हाइड्रोलिक सॉक्स टाइप का सस्पेंशन दिया गया है, जो कि एडजस्टेबल है। टायर के साइज़ की बात करें तो आगे और पीछे दोनों ही साइड में आपको 2/50/16 के ट्यूब वाले टायर मिल जाते हैं, 16 इंच के स्पॉक व्हील और 110 mm की आगे और पीछे ड्रम ब्रेक के साथ। इसके साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको लेडी पिलियन हुक विद हैंडल मिल जाता है, जिससे पीछे वाला पर्सन पकड़ सके और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सामान भी कैरी कर सकते हैं इसमें लटका कर। जैसा कि ये किक स्टार्ट बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी कुशनिंग भी काफ़ी ठीक ठाक दी गई है। पीछे वाली सीट को आप हटाकर इसको लोडिंग के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। जब भी आप अपनी दुकान का या कोई भी आपका कैसा भी भारी भरकम सामान हो तो आप उसको पीछे की साइड में बांध कर आसानी से ले जा सकते हैं। पीछे का जो कैरियर है वो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी मजबूत मिलता है। यहाँ पर आपको हेलोजन टेल लाइट मिल जाती है, हेलोजन फुली फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिलते हैं और नीचे आपको रिफ्लेक्टर। जैसा कि ये 2022 का मॉडल है तो यहाँ से आप इसकी स्टिकर के ऊपर डेट को देख सकते हैं, 24 जनवरी 2022 की यहाँ पर इसके स्टिकर के ऊपर डेट डली हुई है। जैसा कि ये 2022 का लेटेस्ट मॉडल अभी दोस्तों आप देख रहे हैं और फुली ब्लैक कलर के साथ अभी आप इसको देख रहे हैं, जो कि काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश कलर इसका लग रहा है। 2022 के नए अपडेट में अब इस मोपेड में आपको साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर मिल जाता है। यही 2022 में इसमें अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि इंजन स्टार्ट है, मैं इसके साइड स्टैंड को लगा देता हूं तो आप देख सकते हैं इसका जो इंजन है वो कट ऑफ हो चुका है।
इसका जो चेनसेट कवर है वो यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी के साथ मिल जाता है। दोनों ही साइड में आपको पैर रखने के लिए, पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं पायदान के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ से आप इसके साउंड को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करें इसके प्राइस की, तो TVS XL 100 हैवी ड्यूटी किक स्टार्ट की एक्स शोरूम है 39,990 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 51,040 रुपये। अगर आप इसको फाइनेंस पर लेते हैं तो 14,900 की डाउन पेमेंट है और लोन अमाउंट आपका 38,600 का रहेगा। 12 महीने की जो किस्त है वो 3,351 की आएगी। 18 महीने की जो किस्त है वो 2,276 की आएगी। 24 महीने की जो किस्त है वो 1,941 की आएगी। 30 महीने की जो किस्त है वो 1,525 की आएगी। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी और फाइनेंस की जानकारी मैंने आपको बताई है सौभाग्य TVS NS2 हाईवे मथुरा शोरूम की। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।